नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24 आवर क्लॉक यूजिंग मेमोरी बीट एंड काउंटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था 24 आवर क्लॉक यूजिंग टाइमर एंड काउंटर, यहाँ पर हमने एक टाइमर यूज़ किया था और तीन काउंटर यूज़ करे थे। T0 टाइमर था और C0, C1, C2 तीन काउंटर थे। लेकिन आज के इस वीडियो में एक मेमोरी बिट है M1013 वन सेकंड क्लॉक पल्स के लिए और C0, C1 और C2 काउंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ टाइमर की जगह एक मेमोरी बिट है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक PLC लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखिए, सबसे पहले डिवाइस कमेंट लिस्ट में जाना है। यहाँ से डिवाइस कमेंट लिस्ट को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एम पर जाना है, यहाँ से M1013, ठीक है। देखिए यहाँ पर M1000 से जो है मेमोरी बिट स्टार्ट होती है डेल्टा की SVPLC में, ठीक है ना। M1000 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहेगा मॉनिटरिंग के लिए। ये सारी यहाँ पर मेमोरी बिट है, इसमें देखिए आप M1013 जो है ये वन क्लॉक पल्स 0.5 सेकंड ऑन और 0.5 सेकंड ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए M1011 10 मिली सेकंड की क्लॉक है, 5 मिली सेकंड ऑन और 5 मिली सेकंड ऑफ रहेगा। M1012 के लिए देखिए 100 मिली सेकंड की क्लॉक पल्स है, 50 मिली सेकंड ऑन और 50 मिली सेकंड ऑफ रहती है। ठीक है, M1013 की अगर बात करें तो ये 1 सेकंड क्लॉक पल्स 0.5 सेकंड ऑन और 0.5 सेकंड ऑफ रहती है। और M1014 की अगर बात करें तो ये 1 मिनट क्लॉक पल्स होती है, मतलब 30 सेकंड ऑन और 30 सेकंड ऑफ होती है। ठीक है ना दोस्तों, इन चारों क्लॉक पल्स का हम यूज़ करके हमें अलग से टाइमर का यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये मेमोरी बिट जो होती है ये ऑटोमेटिकली अपना एक पल्स इनपुट देती है। जैसे कि 30 सेकंड ऑन होती है तो 30 सेकंड आउट ऑफ होती है, इनमें हमें अलग से टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखिए हमें सबसे पहले लिखना है C0 पर, C0 पर लिखना है आवर्स सेकंड। उसके बाद मिनट, उसके बाद आवर्स। ठीक है ना, अब चलना है प्रोग्राम पे। दोस्तों, मैंने 24 आवर के लिए जो इससे पहले वीडियो बनाया था टाइमर का यूज़ करके, इस वीडियो को काफ़ी डिटेल से समझाया है। आज के इस वीडियो में हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले लिखना है LD स्पेस M1013, ठीक है। ये एक हमारी मेमोरी बिट है, इसको इंसर्ट करते ही यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है 1 क्लॉक पल्स 0.5 सेकंड ऑन 0.5 सेकंड ऑफ। ठीक है ना, इससे देखिए हमें एक काउंटर ऑन कराना है, CNT C060। ये एक सेकंड के लिए पल्स है तो ये सेकंड के लिए काउंटर रहेगा। एक मिनट, यहाँ पर कमेंट ऑन है या नहीं है। सॉरी, C0 पर लिखना है सेकंड। देखिए अब इस सेकंड के काउंटर के साथ हमें एक नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। नेटवर्क ऐड करने के बाद इस काउंटर से हमें एक दूसरा काउंटर ऑन कराना है, तो लिखना है LD C0 CNT C160। यहाँ पर देखिए जब 60 काउंट कर लेगा सेकंड वाला काउंटर, तब ये एक इनपुट देता है इसको और ये यहाँ पर एक काउंट करता है, मतलब एक मिनट हो जाता है। अब 60 सेकंड ऑन होने के बाद हमें इस सेकंड को फिर से ज़ीरो चलाना है, मतलब इस काउंटर को फिर से रीसेट करना है। यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम C0, ठीक है।
C0 RST C0 रीसेट C0, ठीक है। जब इनपुट मिलता है 60 सेकंड के बाद तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है और फिर से ये ज़ीरो से काउंटिंग ऑन कर देता है। फिर एक नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है LDC1 CNT C2 24। देखिए जब 60 मिनट के लिए एक आवर होता है 60 मिनट में, और जब 60 मिनट की एक इनपुट मिलती है तो ये एक आवर काउंट करता है, तो 24 आवर का हमारा वन डे होता है। उसके बाद फिर इस काउंटर को भी रीसेट कराना पड़ेगा 60 मिनट के बाद, फिर से ये ज़ीरो से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर एक पैरेलल सर्किट लेंगे, इसकी एड्रेसिंग रहेगी C1, इसको नॉर्मली हमें रीसेट आउटपुट लेना है। इसके बाद फिर एक नेटवर्क ऐड करना है, और जब ये काउंटर 24 आवर काउंट कर ले उसके बाद फिर से ये ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक नेटवर्क ऐड करके लिखना है हमें यहाँ पर LDC2 RST C2। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही बना है या नहीं। तो सबसे पहले कंपाइल द प्रोजेक्ट, ड्राइवर ऑन करना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड रन, बस ये देखिए यहाँ पर हमने कोई इनपुट नहीं लिया है, डायरेक्ट M1013 लिया है, तो इसने काउंटिंग स्टार्ट कर दिए और ये सेकंड वाला काउंटर ऑन हो चुका है। जब ये सेकंड वाला काउंटर 60 कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, तो 60 करने के बाद ये C0 ऑन होता है और यहाँ से एक इनपुट मिलता है मिनट वाले काउंटर को। यहाँ पर मिनट की वैल्यू 1 हो जाती है और फिर से जब ये 60 काउंट कर लेगा तो फिर 2 हो जाएगी। इस तरह से जब मिनट की वैल्यू 60 हो जाएगी तो 60 मिनट में एक आवर होता है। यहाँ पर देखिए जब इसकी वैल्यू 60 होने के बाद C1 ऑन होता है, मतलब 60 मिनट के बाद ये ऑन होता है, तो ये C2 काउंटर एक काउंट कर लेता है, मतलब एक आवर में एक बार ये काउंट करता है। और जब ये काउंटर 24 टाइम काउंट कर लेता है तो फिर ये अपने आप को रीसेट कर देता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये जो काउंटर है ये एक बार 60 काउंट करने के बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, ये वाला काउंटर भी रीसेट हो जाता है C1, और यहाँ पर देखिए C2 भी काउंटर रीसेट हो जाता है। तो ये टाइमिंग जो है हमेशा चलती रहेगी। दोस्तों ये जो मेमोरी बिट है M1011, 1012, 1013, इनको हम ब्लिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने टाइमर के साथ ब्लिंकिंग लॉजिक बनाए हैं, हम इन मेमोरी बीट का यूज़ करके डायरेक्टली ब्लिंकिंग लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों डाटा रजिस्टर्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।